नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रात्रि के 12 बजे से आपकी राशि में चली माँ भवानी अब आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में माँ भवानी का कृपा रहने वाले हैं जी दोस्तों। और आने वाले 365 दिनों तक आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे जी दोस्तों। यूँ तो आपके जीवन काल में आने वाले 365 दिनों तक अनेक प्रकार की घटनाएं होने वाली है, लेकिन दोस्तों हम आपको आज के वीडियो में 6 बड़े ऐसे घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके जीवन काल के लिए ऐतिहासिक बदलाव होगा। एक प्रकार से कहें ये आपके जीवन काल के सबसे बड़े 6 सपने होंगे जो कि सच होने वाले हैं जी दोस्तों। और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों सभी के होश उड़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब इनकी असलियत को आप जानेंगे तो दोस्तों आपकी आंखें नम हो जाएंगी, खुशी के आंसू छलक आएंगे और आप इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ खुशखबरी ऐसी है जो कि आपकी आंखों में आंसू तो ला ही देंगे। और दोस्तों इसके साथ ही आज के वीडियो में कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज से आपको अपने जीवन काल में याद रखने हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये बातें अगर आप भूलते जाएंगे तो दोस्तों जीवन काल में कहीं ना कहीं आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है जी दोस्तों। इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं, जो सावधानी, जो खुशखबरी बताने वाले हैं और जो उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, आज से आने वाले 365 दिनों तक आप शिव की जीवन काल में बिल्कुल ही वरदान साबित होने वाले हैं जी दोस्तों। माँ भवानी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में वो बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनकी कल्पना आपने कभी सपने में भी की नहीं थी जी दोस्तों। और आप इन्हें सोच भी नहीं सकती कि दोस्तों ईश्वर को कोई समझ नहीं सकता कि वह कब किसको क्या दे दे। जब देते हैं तो दोस्तों बस लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो जलने वाले होते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे ही चमत्कारी घटनाएं अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं जी दोस्तों। आप सभी को बता दें कि नवरात्रि का जो पावन त्यौहार है उनमें माँ भवानी का सबसे विशेष महत्व होता है। और दोस्तों उनमें माँ भवानी अपने भक्तों के जीवन काल में चमत्कार ना करे दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के जीवन काल में माँ भवानी प्रवेश करने वाली है और आप सभी के जीवन काल में आपके सोचे हुए सपने को पूरा करने वाली है। जीवन काल में जो बड़ी गलती आपने किया है दोस्तों उनसे भी आपको अब अवगत होना होगा, उन्हें भी आपको करने से बचना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तमाम जानकारियां ग्रहों की गोचर पर निर्मित है जो दोस्तों आप सभी के जीवन काल से जुड़ी है। कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, किन किन चित्रों को लेकर आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से बड़े कार्य जो यशमय आपके पूरे होकर रहेंगे, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे जो कि ग्रहों के गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों इन्हें अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। उससे पहले दोस्तों जो भी माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक पैरा से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा। माता भवानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियों की किलकारी गूंजेगी, कभी भी दुख दस्तक नहीं देगा जी दोस्तों। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं माँ भवानी के एक बहुत ही अच्छे विचार से। दोस्तों माँ भवानी का एक सच्चा भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही निराश और हताश हो चुके थे। उन्हें अपने जीवन काल में कोई भी राह नहीं दिख रहा था कि अपने जीवन काल से आखिर आगे कैसे बढ़े, क्यों उनके जीवन काल में इतने दुख चलते रहते हैं। और दोस्तों यह सोचकर वह अपने माँ से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ भवानी, आखिर हमारे जीवन काल में इतने दुख क्यों हैं। और दोस्तों उनकी हृदय रूपी प्रार्थना से माँ भवानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। तो उनके मन में यह सवाल उठता है कि हे माँ, अगर ईश्वर सच्चिदानंद है जो खुद सत्चित और आनंद से बना है तो संसार में इतना दुख क्यों है, क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता। यही सवाल वह माँ भवानी से पूछते हैं। माँ भवानी उन्हें कुछ कहने से पहले उन्हें समझाने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए कहता है और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है
और वह नाव पर बैठ जाता है। और जब वह एक ही पतवार से नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं पर घूमता रहता है। तो वह पूछता है कि एक पतवार से नाव कैसे बढ़ेगी। तो माँ भवानी कहती है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार जीवन काल में सुख और दुख जीवन के दो पतवार हैं। अगर सुख ही सुख हो तो जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता, दोनों बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी किनारे पहुंचोगे। क्योंकि मन में दुख से तादात्म्य बैठा लेते हैं, इसलिए आपकी पीड़ा बहुत मालूम होती है। वही मन में फिर सुख की खोज करता है बिना यह समझे कि सुख दुख का ही एक रूप है। सुख हो या दुख, दोनों को एक समान से देखें। ये दोनों लहरें हैं, आती है और जाती है। आप आनंद में रहेंगे। यह बात सुनकर उनके भक्त को जीवन का ज्ञान हो गया और वह खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, माँ भवानी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ भवानी। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आज रात्रि के 12 बजे से आने वाले 365 दिनों तक माँ भवानी आपकी राशि पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी विशेष बातों के इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में ऐसी विशेष बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इसमें लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य कोई उपलब्धि हासिल होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा रुकी हुई पेमेंट वगैरह आने से आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, यश में सावधानी की अगर बात करें तो कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य से यश में भटका सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने मन को जो है संयमित रखना आपके लिए यशमय अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में यश में दिक्कत अगर आ रही है तो दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे और दोस्तों इनसे आपको कोई समाधान भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, मित्रों द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी और दोस्तों अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ करना आपको यशमय सीखना होगा। दोस्तों, परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में भी यशमय सुधार देखने की वजह से आपका उत्साह यशमय बढ़ेगा। काम के बारे में कुछ नया करने की योजना भी यशमय बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं यशमय क्रियान्वित होंगी। दोस्तों, घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में भी समय यशमय व्यतीत होगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना तथा आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी छवि को और अधिक यशमय निखारेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दोस्तों अकस्मात ही कोई खर्चे यशमय सामने आने की आशंका बन रही है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी निर्णय आप स्वयं ही लें। अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दोस्तों यशमय इन्हें स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कई सारी बातों के बारे में निर्णय लेने का समय यशमय आ गया है, जिसकी वजह से मन में बेचैनी सा आपको महसूस भी होगा। दोस्तों, कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यशमय पुरानी बातों में अधिक ना उलझें। आपके द्वारा मिला सहयोग मित्र के लिए अधिक मायने रखेगा। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत करने के लिए सांस संबंधी व्यायाम यशमय जरूर करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आप जो है अपने कार्य को जितने अधिक परिश्रम से करेंगे उनके ही अनुरूप आपको उचित परिणाम भी यशमय हासिल होगा। दोस्तों, युवा वर्ग अपने किसी दुविधा को दूर होने से राहत भी महसूस करेंगे और दोस्तों भविष्य संबंधी फैसला लेने में भी यशमय आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों, यशमय किसी नजदीकी संबंध को लेकर आपके अंदर शक व फिर वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इसकी वजह से आप संबंध को खराब न होने दें और नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जो है उपजने ही ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों, यशमय आपके लिए जैसे होंगे,
दोस्तों काम मनचाहे वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा। लेकिन दोस्तों काम पूरा करने के लिए अपने प्रयत्न आप करते रहें, आपको अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यश में आपके लिए मार्गदर्शक कोई ना होने की वजह से अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। फिर भी दोस्तों परिस्थिति में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है, तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें। इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, परिस्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में ही है। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी यश में आस्था बढ़ेगी तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन यश में आएंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आप जो है किसी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी कार्य में रिस्क ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े नुकसान होने की भी आशंका यश में लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी न करें, क्योंकि दोस्तों उनकी नाराजगी घर के वातावरण में उदासी ला सकता है, तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में निर्णय ना होने की वजह से एक जगह अटके रहने की संभावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही है। दोस्तों यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपके विचारों में भी बदलाव आपको करना चाहिए। हर चीज़ पर नियंत्रण करने की आपकी जो कोशिश है इसमें आपको तकलीफ दे रही है। दोस्तों केवल अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें। लक्ष्य किस मार्ग से प्राप्त होगा इस बात का अधिक तनाव खुद के ऊपर ना बनाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों मार्केटिंग संबंधी सभी कामों को स्थगित रखें, क्योंकि लाभ की संभावनाएं कम ही है। दोस्तों यश में अपना पूरा ध्यान कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें, दूसरों के बजाय अपने विचारों को ही यश में प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय होंगे अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी, परंतु उन पर निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर आपको विचार करना अति आवश्यक होगा। दोस्तों किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए जो समय होंगे अति उत्तम समय होंगे, कोई भी ऑफिशियल यात्रा भी यह समय हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना यश में आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों यह समय कर्मचारियों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। राजकीय मामलों को थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि दोस्तों किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर होंगी, परंतु दोस्तों टैक्स और लोन संबंधी मामलों को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों पदोन्नति के अवसर यशमय बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की वजह से मन भी यश में प्रफुल्लित रहेगा तथा दोस्तों यश में पुरानी यादें भी ताजी होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी और थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दोस्तों उनका सहयोग करना आपके लिए आवश्यक होगा और दोस्तों इससे आपसी संबंध में और अधिक नैतिकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इससे दोस्तों परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में स्वादपूर्ण रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपकी कई परेशानियों का भी हल करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी और दोस्तों इसलिए कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी अपना समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, कभी कभी नकारात्मक विचारों के उठने से तनाव रहेगा जिसका असर आपकी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यश में आप योगा और मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गलत खान पान की वजह से गैस व फिर बदहजमी जैसी शिकायत रह सकती है। दोस्तों अपना खान पान बहुत अधिक संयमित रखने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है, यह समय अपना उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।